इस क्षेत्र के किसान अपनी खेती को लेकर इतने व्यस्त हैं कि उन्हें देश दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। अपने देश में हो रहे किसान आंदोलन पर दुनिया की नजर है, लेकिन यहाँ के किसानों की अभी इस बारे में सोचने तक का समय नहीं है। बावजूद एक चीज है जो किसानों को परेशान जरूर कर रहा है, वह है उर्वरक की कालाबाजारी। जी हाँ, उर्वरक की कालाबाजारी का असर किसानों के सेहत पर जरूर पड़ रहा है। उनके सामने खादों की किल्लत से लेकर ऊंचे दामों में खाद की खरीदारी ने किसानों की कमर तोड़ रख दी है। कई जगहों से नकली खाद और कीटनाशक मार्केट में बिकने की खबर भी सामने आई है, बावजूद इसे कोई देखने वाला नहीं है। मधुबनी जिले में खाद की कालाबाजारी का सबसे बड़ा कारण सीमावर्ती क्षेत्र से पड़ोसी देश नेपाल के लिए बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी है। आइए कैसे होती है मधुबनी जिले से खाद की तस्करी, हम देखते हैं। नेपाली तस्कर साइकिल व मोटरसाइकिल से भारतीय सीमा पर आते हैं और नजदीकी दुकान से खाद की बोरी लेकर नेपाल के बाजार में महंगे दर पर बेच देते हैं। लोगों का कहना है कि सीमा पर तैनात एसएसबी के मिलीभगत से ही तस्करी हो रही है। तस्करों के लिए निर्धारित समय पर उनके रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। छोटे किसान जब एक आध बोरी खाद लेते हैं तो उनके नाम पर संबंधित दुकानदार 510 बोरी खरीद का अंगूठा लगवा लेते हैं और उसी फॉर्मूले से खाद की कालाबाजारी करते हैं। तस्करों का हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि खाद की कालाबाजारी कर ले जा रहे हैं। एक तस्कर ने कहा कि हम लोग प्रशासन को पैसा देते हैं। जानकारी के अनुसार हड़ाकी में कुल 47 लाइसेंसी उर्वरक दुकानें हैं जहां से उचित मूल्य पर किसानों को उर्वरक देना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वहीं उमगांव समेत विभिन्न गांव में दर्जनों दुकानें हैं जहां खाद की बिक्री औने पौने भाव में हो रही है, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। अहमद ने कहा कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी होता है। पिछले माह क्षेत्र के 2 खाद विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई किया गया था। यदि किसी प्रकार का शिकायत मिला तो संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई होगी। खाद की तस्करी के इस बाबत 48वीं वाहिनी कमांडेंट संघर्ष सिंह ने कहा कि सीमा पर हो रहे तस्करी को हर हाल में रोका जाएगा। इतना कहकर अभी तक जवाबदेह अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते नजर आए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि खाद की तस्करी पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से तस्करी का कारोबार